नागपुर जिले के खापरखेड़ा थाना अंतर्गत लोकल क्राइम ब्रांच ने एक युवक को जिंदा कारतूस से भरी माउजर पिस्तौल के साथ धर दबोचा। लोकल क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि खापरखेड़ा नजदीक मिलन चौक में एक युवक बियर बार के सामने पिस्तौल लेकर घूम रहा है। जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ओला इनके आदेश पर लोकल ग्रामीण ब्रांच ने योजनाबद्ध तरीके से खापरखेड़ा मिलन चौक पूजा बार के सामने जिंदा कारतूस से लैस माउजर के साथ विजय कुमार उर्फ रामलाल मदन प्रसाद नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ओला तथा अपर पुलिस अधीक्षक राहुल माकनिकर इनके मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस निरीक्षक अनिल जटवार इनके नेतृत्व में अनिल राउत लक्ष्मी प्रसाद दुबे विनोद काडे शैलेश यादव अरविंद भगत सत्यशील कोठारे वीरेंद्र नरड प्रणय सिंह वनाफर और साहिब राव बहोड़े ने कार्रवाई को अंजाम दिया। किस कारण से आरोपी जिंदा कारतूस के साथ घूम रहा था इसके बारे में खापरखेड़ा पुलिस जांच कर रही है। खापरखेड़ा परिसर में पिस्तौल मिलना आम बात हो गई है। इससे पहले भी कई बार पिस्तौल के साथ खापरखेड़ा में आरोपी पकड़े गए हैं। यही नहीं कई तो गोली कांड भी हुए हैं। परिसर के सिल्लेवाड़ा तथा वल्ली में अधिकतर लोग यूपी बिहार के रहते हैं। परिसर में आरोपियों के पास बंदूक कहाँ से आती है ये जाँच की बात है। राजेश खंडारे, विदर्भ स्टार न्यूज़, नागपुर।